और विश्व का मैं प्रथम व्यक्ति हूँ, सो कॉल्ड मुस्लिम कह सकते हो, जिसने कोवैक्सीन के ट्रायल लिया था, मैंने और हरियाणा के अनिल विज ने, और उसके जान भी जा सकती थी, लेकिन कोरोना का ट्रायल लेने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ, भारत का पहला व्यक्ति हूँ कोवैक्सीन का ट्रायल लेने वाला। आपको बता दूं 54 बार रक्तदान किया है और एक अधिजीत दान के तहत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है मरणोपरांत, यानी रामायण मर सकता है लेकिन बहुत लोगों 8 लोगों कम से कम जिंदा रह सकता है, यानी उस राम अस्तित्व में चला घोषणा कर रहा हूँ। ना मैं नेता हूँ, ना नेता बनने का शौक है, मैं गुरु हूँ और गुरु की बाती देने वाले अपीजे काम भी नेता नहीं थे और ना ही मुझे भविष्य में किसी नेतागिरी की अपेक्षा ना आकांक्षा है। अदम्य अति गुरुकुल का निर्माण मेरा मूल उद्देश्य है, जहाँ हर गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिसके पिता भाई पति बॉर्डर पर होंगे फिर आज भी पढ़ते हैं, कल भी पढ़ते रहेंगे और जब तक गुरुकुल चलता रहेगा पढ़ेंगे। बराबरी जात और धर्म के आधार पर नहीं होती है। कभी कलम किसी के बाप की कपौती हुआ करती थी, आज कलम किसी के बाप की कपौती नहीं है। और अमरूप मेहता जी की जो विचारधारा को अभी सुधीर के द्वारा दिए गए पत्रिका के क्रम में मैंने पढ़ा, मुझे बुलाकर निश्चित रूप से बहुत बड़ा हम पर एक कृतार्थ कास्ट किया है लोगों ग्रेट थेरो। एक बात बता दें कि जो हमारे रविंद्र जी ने अरविंद जी ने कहा कि 10 बच्चों को निःशुल्क, तो मैं इनकी बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अदम्य अदिति गुरुकुल, अदम्य अदिति मेरी बेटी का नाम है, मेरे बेटे का नाम अभियान अर्जित है, मेरी पत्नी का नाम अमिता कुमारी है, और विश्व का मैं प्रथम व्यक्ति हूँ, सो कॉल्ड मुस्लिम कह सकते हो, जिसने कोवैक्सीन के ट्रायल लिया था, मैंने और हरियाणा के अनिल विज ने, और उसके जान भी जा सकती थी लेकिन कोरोना का ट्रायल लेने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ, भारत का पहला व्यक्ति हूँ कोवैक्सीन का ट्रायल लेने वाला। आपको बता दूं, दूसरी बात मैं बता दूं कि जीते जी अपना संपूर्ण अपने जीवन में, मैं 46 साल का हो गया, कल 10 जनवरी को हो जाऊंगा, और मैंने अब तक 54 बार रक्तदान किया है और एक अधिजीत दान के तहत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है मरणोपरांत, यानी रामायण मर सकता है लेकिन बहुत लोगों 8 लोगों कम से कम जिंदा रह सकता है, यानी उस राम अस्तित्व में चला। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, आज तमाम इस क्षेत्र में कि औरंगाबाद के नाम से ही मेरे दिल में अजीब सी धड़कन शुरू होती है, अरवल जहानाबाद औरंगाबाद वो अलग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र से चाहे कनाप का सुदेह हो, चाहे हसपुरा का आरडी बर्मन हो, या मृत्युंजय कुमार सिंह हो, जितने भी बच्चे दरोगा बने हैं वे गुरुकुल के ही थे। और एक सबसे बड़ी सौभाग्य की बात बता दूं कि मेरा एक पुत्र जिसको मैं गोदी खिलाता था, जिसको मैं पढ़ाता था, बोरा पर बैठा कर पढ़ाता था, अभी रोहतास एसपी था, वह गया का एसएसपी बन के गया है। आपको हमारा बिल्कुल प्यारा बेटा आशीष भारती और उसी की पत्नी यानी पतो औरंगाबाद की एसपी बन के आई है, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की मैंने कहा कि मैं 10 बात की बात को नहीं मानता, मैं स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहा हूँ, ना मैं नेता हूँ, ना नेता बनने का शौक है, मैं गुरु हूँ और गुरु की बात ही देने वाले अपीजे काम भी नेता नहीं थे और ना ही मुझे भविष्य में किसी नेतागिरी की अपेक्षा है ना आकांक्षा है। अदम्य अति गुरुकुल का निर्माण मेरा मूल उद्देश्य है, जहाँ हर गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिसके पिता भाई पति बॉर्डर पर होंगे फिर आज भी पढ़ते हैं, कल भी पढ़ते रहेंगे और जब तक गुरुकुल चलता रहेगा पढ़ेंगे। लेकिन आज इन्होंने 10 कह के हमारे पद को गिरा दिया। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि 2023 में 43 लोग को मैं 101 नहीं 11 रुपए में क्लब से कलेक्टर और सिपाही से उसमें के लिए पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। ऐसे भी मैं बता दूं कि औरंगाबाद वाले जो होंगे, कुछ तो लड़के नजर आ रहे हैं जलपुरा के, कुछ इधर के भी, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कहे कि मेरा घर औरंगाबाद है, मैं फलाने जगह का हूँ और उससे मैंने आज तक पैसा लिया हो, लेकिन इन्होंने सीमा में बांध दिया है। तो 43+ जितने भी बच्चे औरंगाबाद जिला के हैं, इस क्षेत्र के हैं, इस माटी की खुशबू को बिखेरते हैं, वो कोई भी बच्चा किसी भी रूप में कभी भी कहीं भी हमारे सातों सेंटर पर वो आएगा, मैं 11 रुपए में उसको क्लब से कलेक्टर और सिपाही से एसपी बनाने का वचन देता हूँ, सारे मटेरियल के साथ। सुधीर से बातचीत के क्रम में पता चला कि एक लाइब्रेरी भी है,
तो उस लाइब्रेरी के लिए मेरे द्वारा लिखी गई 25 किताबें, इस अतिरिक्त जितने भी कंपटीशन की किताब है, सुधीर और जितने आयोजन कमेटी के सदस्य हैं वो लिस्ट बना के देंगे, तो मैं सारा का सारा किताब किसी से पहुंचवाऊंगा नहीं, बाकी खुद ब खुद चल के मैं आके उसको दूंगा, क्योंकि मेरे लिए गौरव का विषय होगा, गौरव का विषय होगा। एक बात मैं बता दूं स्पष्ट से कि रामरूप मेहता जी सर को के बारे में कुछ भी बोलना एक आसमान पर ताकना और आसमान पर थूकने के समान है, क्योंकि एक अद्भुत 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 शब्द मेरे मन से निकला। जो आदमी समाजवादी हो, समाजवादी मतलब ये नहीं कि तथाकथित समाजवादी, तथाकथित समाजवादी बहुत है आज के डेट में, जो आदमी समाजवाद की विचारधारा रखते हो उसका मतलब कि वह समाज में बराबरी लाना चाहता है, जाति और धर्म से ऊपर का चीज है। तो एक बात मैं इस फील्ड से बता दूं कि भाई ने हर समय समझ गया कि अब जंग की शुरुआत हो गई है, लेकिन यह जंग ना बारूद से होगी, ना बम से होगी, ना पिस्तौल से होगी, यह जंग रामरूप जी के विचारधारा और कलम के नोक से होगी। कलम के बल पर क्रांति, कलम के बल पर क्रांति, कलम के बल पर क्रांति लाने का समय आ गया है। मैं क्या बोलूं, इतना कदगत हूं कि लग रहा है कि सातों कलम मैंने ही कर दिया। तो भैया औरंगाबाद हो या अरवल हो, गोल खा लेना या गोल मार देना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये तो खेल की विशेषता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतनी बड़ी ठंडी में हमारे सर्वेश बाबू जी थे, ये बाबू जी है, वो बाबू जी है, बहुत बुढ़े लोग, जवान लोग की बात में नहीं कहूंगा, जो इस आयु में यहाँ पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से ये इस बात को दर्शाता है कि रामरूप मेहता जी एक विचारधारा के रूप में तो थे ही। मैं गुरु रहमान स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वह विचारधारा से भी कहीं अधिक एक अवतार और पैगंबर के रूप में मुझे नजर आ रहे हैं। मैं यह कहीं भी कह सकता हूं, काबा में कह सकता हूं और काशी में खड़ा होकर सकता हूं, क्योंकि जो सुधार की विचारधारा रखता हो, परिवर्तन की विचारधारा रखता हो, सामाजिक क्रांति की विचारधारा रखता हो, वह मामूली इंसान हो ही नहीं सकता, अवतार से कम हो ही नहीं सकता। तो सैल्यूट है इन रामरूप मेहता जी को और नमन है मेरा विकास औरंगाबाद की सरजमीन पर दो चार दस लोग ऐसे लोग हो जाए तो परिवार से ग्राम ग्राम से विश्व से जन जन से जनपद जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य के निर्माण जो मगध की आधारशिला से रखी थी, तो महासाम्राज्य भी इसी मगध के सरजमीन से होगा। बहुत दम है, बहुत दम है आप में, बहुत दम है आप में, अपनी दम को आगे बढ़ाइए। खेल में तो हम सुनते हैं कि हम पूछे पीरू में और अन्य लोगों से पूछा कि भैया अब फुटबॉल तुम खेलते हो, तो बोला कि फुटबॉल तो खेलते नहीं है लेकिन जेनेटिक में फुटबॉल है, जीन में फुटबॉल है, इसलिए हाथ पैर जब चल जाता हम लोग खेल लेते हैं। तो अरे भैया जिसके जीन में फुटबॉल हो तो उसके जीन में ये भी होना चाहिए कि हिंदुस्तान का निर्माण चाहे उत्तर में हिमालय की तराई हो, दक्षिण में मैसूर हो, पूर्व में बांग्लादेश हो, पश्चिम में काबुल कंधार मकरान हेरात हो, हिंदुस्तान की निर्माण करने वाला बिहार था और बिहार का भी कोई क्षेत्र था तो मगध था, और हम मगधवासी हैं, मुझे मगधवासी बनने पर गर्व की अनुभूति हो रही है। बहुत ठंड है और कल वजीरगंज में ही हमको जाना है, लेकिन यहाँ तो मरणासन्न अवस्था में भी मैं आता। आप सबको बता दें कि बहुत सारी बहाली आ रही है और मैं औरंगाबाद की मिट्टी का हूँ, मगध की मिट्टी का हूँ, इसलिए डरता नहीं, डर मेरे खून में नहीं है, क्योंकि डर हमारे मगध की मिट्टी में नहीं है। जब मैं सीआरपीएफ में स्टेट कमांडेंट था तब भी सीना फाड़ के गोली मारते हुए गोली खाते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया, और आज जब कलम मैंने उठाया है तो कलम के बल पर भी आज मैं बता दूं, सुधीर जानते हैं क्योंकि सुधीर ने बहुत सारे पत्रिका में, दैनिक जागरण में, अपनी पत्रिका में हमारी संपूर्ण इतिहास को लिखा है कि आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जिस घर में कभी खाना बनने के लिए चूल्हा नहीं जलता था, आज उस घर में कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई दारोगा है। दारोगा फैक्ट्री के साथ साथ मैं बता दूं कि डीएसपी 167 है और 10 डीएम और 10 आईपीएस हमारे चरण को छूते हैं, तो निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति होती है। और मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से औरंगाबाद का मैं हूं, जब औरंगाबाद घर बहा तो कौन बात के डर बहा, ये बात करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है।
मैं अपने तमाम लोगों से कह रहा हूं कि कभी भी जब भी मन करे इस आयोजन समिति से आप अनुसंधान कराइए, अनुसंधान करा लीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि रामरूप मेहता जी का मैं फैन हूं और सुधीर से मिल लीजिएगा। आइए मेरे पास एक बार पढ़िए, वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है, नेता बदल रहे हैं, चोरों की संख्या बढ़ रही है, शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चोर ज्यादा हैं। और आज समाज को सुधारने की जरूरत है, हमारी संस्कृति को सुधारने की जरूरत है, हमारी सनातन परंपरा को लाने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है वह है मन को तंदुरुस्त रखना, तन को तंदुरुस्त रखना, मन और तन को तंदुरुस्त करने के लिए, या तन को तंदुरुस्त करने के लिए आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि बाबा कह रहे थे कि लंबे समय से लड़के हम लोगों ने प्राप्त किया, और मन को संतुष्ट करने के लिए रामरूप मेहता जैसे लोगों का यह अवतरण आज आई के दिन अवतरण हुआ था, तो निश्चित रूप से अब एक चीज की जरूरत है और वो जरूरत है कलम। कलम उठाइए, मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ हूँ और मरते दम तक आपके साथ रहूंगा। मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी ओल्ड ढोल के चलना में ढालने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं लोग कहता है कि मुसलमान हूँ, अब तो मुसलमान भी कहते हैं कि हिंदू हो गया है, हिंदू भी कहते हैं कि हिंदू हो गया है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, इंसान था, इंसान हूँ, और इंसान के रूप में रहकर एक नया क्रांति लाने का प्रयास करूंगा। आप किसी भी परिस्थिति में, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात एक घोषणा मैं कर दूं कि 2024 के लास्ट में हमारी बायोपिक आ रही है अजय देवगन के माध्यम से, अजय देवगन मेरा रोल कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से वादा कर रहा हूं, फिर से वादा कर रहा हूं कि उस बायोपिक में 10 से 20 सेकंड का सीन रामरूप मेहता जी के फुटबॉल टूर्नामेंट का होगा, 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 क्योंकि अगर मैं अपने यजुर्वेद के आपस्तम्भ त्रिसूत्र में हो, यजुर्वेद हो या महाभारत के अनुशासन पर हो, सब में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ कर्तव्यों के साथ जन्म लेता है, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति, और निश्चित रूप से औरंगाबाद की सरजमी को पटल पर ले जाना, ऊंचाई पर ले जाना, यह हमारे कर्तव्य बोध के अंदर आता है, और मैं मर सकता हूँ अपने कर्तव्य को निभाने में पीछे नहीं हटूंगा, ये वचन दे रहा हूँ, ये वचन दे रहा हूँ। ठंड बहुत है, बहुत लोग सिकुड़ रहे हैं, बचिएगा, ठंडा में बचिएगा, बचिएगा तब न पढ़िएगा, पढ़िएगा तब न बाहर को, बिहार से, औरंगाबाद से, बिहार से, मगध की सरजमी से एक नया हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है। और मैं तो यही कहूंगा, क्या बोले, चाटने की तो आदत दिन भर टीचर बनता रहता है, सर भी टीचरे हैं, बहुत लोग टीचरे हैं, कि देख भाई वाह, जाति बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी मियां टियां ओल ढोल कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, समाज में ऊंचा वही है जिसने कलम उठाया है, जिसने कलम उठाया है, जिसने कलम उठाया है। और इस सरजमी को क्या करूं, नमन करते करते मेरी प्राण भी निकल जाए तो भी कम पड़ेगी, जहां रामरूप मेहता जैसे व्यक्ति का पदार्पण हुआ हो, जहां पर जयप्रकाश नारायण लोग आते हो, और एक बहुत संयोग है कि जनवरी में इनका जन्म, तो मेरा भी 10 जनवरी को जन्म है, एक दिन इंतजार किए थे 11 जनवरी को, 12 जनवरी को जाके बिरला मंदिर में ब्याह कर लिए थे, और 16 जनवरी को हम पर ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, लेकिन कहा जाता है ना, जब चाह असीम हो और इंसान में हिम्मत हो, तो एक शेर याद आ रहा है, याद रखेगा, कि दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है, सरकती जरूर है। मैं तमाम लोगों को, जितने भी बड़े लोग हैं जो जिनकी बेटी और बेटा बड़े हो गए हैं, कम से कम इंटर जरूर कर गए हो, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि बेटा और बेटी की शिक्षा में कभी मत कीजिएगा। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जरूर है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण लड़कियों को देकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, इसलिए लड़कों को तो पढ़ना उनकी मजबूरी है, ब्याह ना हो तो वो छूते रह जाएगा, लेकिन लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि जिस घर में सरस्वती का आगमन हो जाता है
उस घर का कल्याण वहीं से शुरू हो जाता है। एक इंसान को पढ़ाने पर कहता है लोग कि 10 परिवार सुधरता है, और मैं कहता हूँ कि एक बेटी को पढ़ाओ तो पूरा समाज सुधर जाएगा, और समाज सुधारने के लिए हम तैयार हैं। नमन है राम रूप मेहता जी को, नमन है औरंगाबाद की सब सरजमी को, नमन है तमाम मंच पर बैठे तमाम लोगों को, नमन है तमाम आयोजन करता समिति को, और बहुत बहुत प्यार है सुधीर को, रविंद्र जी ने अरविंद जी को, सबको बहुत बहुत नमन है। बड़े जितने भी है उनको चरण स्पर्श है, बहुत चरण स्पर्श है, और हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक कि जो कुछ आयोजन समिति के माध्यम से लोग आए और कहे कि गुरु जी हम औरंगाबाद के बानी, हमारा पढ़ेगा बा हम पढ़ा तो आपका अधिकार है, 11 रुपया माँ सरस्वती को रख दीजिएगा। बजरंग बली का मैं भक्त हूँ, बजरंग बली के सामने नमन होइएगा और शुरू कर दीजिए कहानी, क्योंकि इतिहास अभी शुरू हुई है भैया, इतिहास बनना अभी बाकी है, और इस 46वां साल में प्रवेश करने वाला व्यक्ति ये वादा करके जा रहा है कि अगले बार जब हम आएंगे तो एक नई क्रांति साथ होगी, एक नया औरंगाबाद साथ होगा, एक नया बिहार साथ होगा, एक नया भारत साथ होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राम रूप मेहता जी अमर रहे, कभी वो हम लोग अभी सचा ही नहीं सकते, जो इतने ठंड में अगर आपके आत्मा आत्मा